गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू व्लॉग्स। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और मैं यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ अपने लिए हल्दी वाला। तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में आधा गिलास हल्दी वाला दूध लेती हूँ और हल्दी वाला दूध जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। इससे खांसी जुकाम कुछ भी नहीं लगता है और पूरी सर्दी मुझे वाकई में सर्दी जुकाम नहीं लगा था क्योंकि मैंने ये वाला दूध पिया था। लेकिन अभी जब मैं शादी में गई थी तो मैं वहाँ नहीं ले पाई थी और तब मुझे खांसी जुकाम लग गया था, तो वही मेरे खांसी जुकाम अभी तक लगा हुआ है। वैसे मुझे खांसी जुकाम नहीं लगा था और बिना दवाई के ही मेरे ये सही भी हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा हल्दी वाला दूध भी तैयार हो गया है और वैसे तो मुझे इसके बेनिफिट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे। और एक्चुअली आज मैं बरामदे की क्लीनिंग करने की सोच रही थी तो मैंने पर्दे वगैरह धो दिए हैं सुबह ही, रात को उतार लिए थे। तो यहाँ पर बैठ कर के आराम से मैं इसे पी रही हूँ। नो फोन, नो टीवी, नो एनी अदर वर्क्स, जस्ट हल्दी वाला दूध। तो ये है थोड़ा सा सीक्रेट जो हेल्दी रखता है मुझे और एक्टिव भी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं अपने लिविंग एरिया की क्लीनिंग करूंगी, तो मैंने यहाँ पे सोफे के कवर है और कर्टेंस वगैरह वो मैंने रात को ही उतार लिए थे और सुबह नहाते समय धो लिए थे। और यहाँ पे मैंने जो टेबल क्लॉथ है उसे मैंने उल्टा करके बिछा दिया है क्योंकि वो इतना गंदा नहीं हो रखा था। और मैं इतने ही कपड़े धोती हूँ जितने मैं धो पाती हूँ क्योंकि मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ। तो मैं इतने ही लेती हूँ कपड़े जितने मैं धो पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने जो सोफ़े के कवर है रग बिछा दिए थे मैंने, वो मैंने हटा दिए। काफ़ी फ्रेंड्स को ये कंप्लेन थी कि रग्स जो है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो मैंने टेम्परेरी ही बिछाए थे होली के कारण कि बच्चे गंदे ना करें। और यहाँ पर मैंने दूसरे वाले जो मेरे कवर हैं उनको मैंने बिछा दिया, ये पुराने वाले कवर हैं वो मैंने बिछा दिए। तो कभी मैं ये वाले बिछा देती हूँ, कभी ये पिंक वाले जो मैं अभी बिछा रही हूँ ये वाले बिछा देती हूँ, कभी मैं ब्राउन वाले बिछा देती हूँ। इस तरह से मैं बिछा देती हूँ जिससे कि थोड़ा चेंज होता रहे, एक ही एक चीज़ देखते देखते फिर बोरिंग सा लगने लगता है ना, इसलिए तो मैं थोड़े चेंज करती रहती हूँ। तो जिनको कंप्लेन थी उनकी कंप्लेन मैंने मिटा दी है, हटा दिए हैं मैंने रक्स और सब चीज़। और मेरे एक फ्रेंड ने और मुझे ये मैसेज दिया था कि मैं स्ट्रेस को लेकर के कुछ कहूँ, तो देखिए स्ट्रेस जो होता है ना आज के समय में एक नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो। देखिए अगर जैसे समझिए कि हमें कोई पहाड़ चढ़ना है और अगर हमारे ऊपर 50 किलो का वज़न रख दिया जाए तो क्या हम पहाड़ चढ़ पाएंगे? और अगर हमारे ऊपर 50 किलो का वज़न नहीं हो तो हम वो पहाड़ चढ़ लेंगे? ऐसे ही लाइफ है, और लाइफ को अगर हमें जीना है ना तो वो 50 किलो का जो स्ट्रेस है ना वो मत रखिए, तभी आप अपनी लाइफ को जी पाएंगे। और मैं तो इतना जानती कि कोई भी प्रॉब्लम है, वैसे तो हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो मैं तो यही कहूँगी कि उसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक तो ये जिसका उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है और दूसरा ये कि उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो जिस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो आप स्ट्रेस लेकर के क्या उखाड़ लोगे, और जिस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो फिर स्ट्रेस लेने का क्या मतलब है? तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ को है ना फुल ऑफ इन्जॉय जीनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इसी समय काम आते हैं भगवान जी, हमें ताकत देते हैं अंदर से। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो लंच में आज बनाऊँगी शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी टमाटर और प्याज डाल करके। तो मैं यहाँ पर शिमला मिर्च को धो रही हूँ क्योंकि धोना भी बहुत ज़रूरी है, और मैंने 3 शिमला मिर्च जो है वो बचा ली हैं। 3 शिमला मिर्च मैंने बचा ली थी क्योंकि मैं अभी नूडल्स बनाऊंगी तो उसमें काम आ जाएगी। और यहाँ पर मैं शिमला मिर्च जो है मीडियम साइज़ की काट रही हूँ, छोटी छोटी शिमला मिर्च हैं इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी मिर्ची कट रही हैं, आलू वगैरह मैंने कट कर लिए ही हैं, तो चेक करती रह रही हूँ कि अंदर की साइड कहीं ख़राब ना हो। और क्योंकि ये बासुड़ा आया था ना उससे पहले आई थी ये शिमला मिर्च, तो तब से ही रखी हुई है। तो एक फ्रेश सब्ज़ी होती है और फिर रखे रखे है ना थोड़ी बहुत ख़राब हो ही जाती है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च कट गई है और यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया था। तेल के गर्म होने के बाद में मैंने इसके अंदर जीरा डाला है, जीरा डालने के बाद में मैंने प्याज डाली है। प्याज को मैं भून लूँगी, जब ये हल्के गुलाबी से रंग के हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी सारे मसाले डालूंगी इसके अंदर। तो मसालों के अंदर मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी।
तो नॉर्मली सारी सब्जियों में यही मसाले डलते हैं और इन मसालों को अच्छे से भून लूँगी। भून लेने के बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू भी डाल लिए हैं और आलू को भी मैं मसालों के साथ में भून लूँगी और उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल दूँगी शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को भी मसालों के साथ में मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक भी मैंने डाल दिया है और मिक्स करके और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी मतलब छोटी वाली एक चम्मच डाल दूँगी, मतलब छींटा लगा दूँगी पानी का जिससे कि नीचे ना लगे और उसके बाद में बस इसको ढक करके कुक होने दूँगी। तो 5 मिनट बाद मैं इसे वापस से उघाड़ करके देख रही हूँ कि आलू हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो एक बार एक आलू को तोड़ कर देख लूँगी तो आलू और थोड़े से हो गए हैं, तो ये परफेक्ट टाइम होता है जब टमाटर डाल दिए जाएँ। तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं और सब्जी से थोड़ा सा ढक दिया है, उसके बाद में प्लेट ढक दी है। तो जो टमाटर होते हैं वो भाप में जल्दी बन जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने प्लेट को ढक दिया है और इसे बस मैं कुक होने दूँगी जब तक कि टमाटर जो हैं वो गल नहीं जाते हैं। तो मैं आपसे स्ट्रेस के बारे में बात कर रही थी, तो स्ट्रेस के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे चिंता चिता समान, जैसे चिता होती है ना वो मरने के बाद में जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है ना वो इंसान को जीते जी ही जलाती रहती है। तो टेंशन लेने से, प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के इस तरह से स्ट्रेस लेने से कुछ होने तो वाला है नहीं है। तो फालतू की ऐसे स्ट्रेस लेने से क्या मतलब है, और अगर स्ट्रेस हो भी रहा है तो आप स्ट्रेस से बचने के लिए अपने मन पसंद कोई भी काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। वहाँ पर सब जब तक सब्जी हो रही थी तब तक मैंने यहाँ पे रायता भी बना लिया है आपसे बात करते करते, और मैं आज हमारे लंच में बस यही रहेगा, शिमला मिर्च आलू प्याज की सब्जी और साथ में ये रायता बूंदी का। तो ये आज हमारा लंच रहेगा। तो यहाँ पर मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों डाले हैं। रायते में काले नमक का और जीरे का स्वाद काफ़ी अच्छा होता है, आप छोंक लगा कर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो इस तरह से ही अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो इसको बस मैं ढक कर के साइड में रख दूँगी। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो हमारी जो फैमिली होती है ना ज़्यादातर मोस्टली उसकी वजह से होती है, या फिर स्टडीज़ की वजह से होती है, या फिर जॉब की वजह से होती है, या शादी नहीं हो रही है उसकी वजह से। तो देखिए ऐसा होता है कि अगर जो पढ़ रहे हैं बच्चे तो है ना वो सोचते हैं कि जब हमारी पढ़ाई कम्प्लीट हो जाएगी ना तो हम खुश रहेंगे, लेकिन आप उनसे पूछिए जो पढ़ लिख चुके हैं और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं क्या वो खुश हैं? नहीं। उनसे जा कर के पूछिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनसे पूछिए, जिन वो अगर स्ट्रेस ले रहे हैं प्रॉब्लम में है तो उनसे पूछिए जिनकी शादी हो गई है क्या वो शादी करके खुश हैं, या फिर ना जिनकी जॉब नहीं लग रही है तो उनसे पूछिए कि ना जिनकी जॉब लग चुकी है क्या वो खुश हैं। तो इस दुनिया में है ना हर जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कोई भी खुश नहीं है, और मानो तो सब लोग खुश हैं। क्योंकि हमेशा अगर लाइफ का एक मंत्र रखिए कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो अपने से ऊंचे वाले को देखिए, लेकिन अगर आप अपने आप को हारा हुआ थका हुआ महसूस कर रहे हैं ना तो अपने से नीचे वाले को देखिए। तो यहाँ पर मेरे आलू जो हैं टमाटर जो हैं वो गल गए थे तो मैंने मिक्स कर लिए हैं उनको। उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गर्म मसाला और थोड़ा सा मैंने कलछी से इसको है ना थोड़ा सा मैश कर लिया है ताकि ऐसे खड़े खड़े से ना लगे। हर्षित के पापा को है ना बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, खड़ी खड़ी सी सब्जी होती है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैश कर दिया है। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया है, बस इतना ही डालूँगी इसके अंदर और कुछ नहीं। तो बस जो ये सब्जी है वो तैयार हो चुकी है, देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो मस्ट ट्राई सब्जी है, अगर शिमला मिर्च आपके घर में आती है और आप आलू उबाल के नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, या फिर कई लोग तो बनाते भी होंगे। तो लंच की प्रिपरेशन मेरी हो गई है और मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी, अधूरी छोड़कर गई थी एक्चुअली, मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी तो अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि कभी भी ऐसी क्लीनिंग करो ना तो पैरों में ना मिट्टी सी आने लग जाती है, तो मैं यहाँ पर हल्की सी झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू पोछा वैसे मैं सुबह कर ही चुकी हूँ लेकिन एक बार मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ ताकि पैरों में मिट्टी होती है तो फिर बिस्तरों में भी जाती है, सब जगह जाती है, बच्चे आते हैं इस ऐसे ही सोफे पे चढ़ जाते हैं करते हैं तो जल्दी जल्दी से सब चीज़ गंदी जाती है, तो इसलिए मैंने एक बार झाड़ू से हाथ फेर दिया है कि झाड़ू लग जाए।
आजकल धूप इतनी तेज पड़ने लगी है कि मैंने जो पर्दे धोए थे वो सूख भी गए हैं, तो बस मैं इन्हें डंडे के अंदर लगा रही हूँ। और मुझे ना एक फ्रेंड ने ये भी कहा था कि जो ये पर्दे हैं आपके, उसके ऊपर ये घोड़े बने हुए हैं, तो घोड़े वाले पर्दे हैं ना शुभ नहीं होते हैं घर के अंदर, तो वास्तु के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर घोड़े खड़े हैं तो वो शुभ नहीं होते हैं, लेकिन अगर घोड़े जो हैं भागते हुए दिख रहे हैं, भागते हुए पोजिशन में हैं, तो वो शुभ होते हैं। क्योंकि हॉर्स मतलब हॉर्स पावर, आपने सुना होगा ना हॉर्स पावर, तो ये पावर मतलब कि शक्ति के प्रतीक होते हैं। अगर ये भागते हुए होते हैं तो ये शुभ होते हैं। बस इतना है कि इन्हें रूम के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें रूम के अंदर इस तरह की एक्टिव वो नहीं चाहिए। हमें रूम के अंदर हमें रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन हम जैसे लिविंग रूम है या फिर जैसे स्टडी रूम है, वहाँ पर इस तरह के पर्दे लगा सकते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पर हमें पावर चाहिए होती है। इसलिए तो इस तरह के पर्दे जो होते हैं वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं लगाएं। और तो चलिए अभी इन सारी बातों के साथ में और इन सब कामों के साथ में अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको मुझसे कुछ भी शेयर करना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम्स या आपकी खुशी या आपके दुख या आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।